नमस्कार दोस्तों, आज वेल्डिंग में बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस की। वेल्डिंग करते वक्त हमको कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए? तो सेफ्टी प्रिकॉशंस, ऑलवेज कीप द वर्किंग कंडीशन हैंडी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट टू पुट ऑफ फायर। आग वगैरह को बुझाने के लिए हमारे पास जो है हैंडी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने बहुत जरूरी है। कीप द वर्क एरिया फ्री फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ फायर सेफ्टी गैस सिलेंडर। जो वहाँ का जो एरिया है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। डू नॉट रोल गैस सिलेंडर और यूज देम एज ए रोलर। कभी भी गैस सिलेंडर को जो है हमको फर्श पर रोलर की तरह नहीं यूज करना चाहिए। यूज ए ट्रॉली टू कैरी द सिलेंडर्स। सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हमको ट्रॉली का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लोज द सिलेंडर वाल्व। सिलेंडर वाल्व बंद होने चाहिए व्हेन इट इज नॉट इन यूज और एम्प्टी। जब ये खाली हो जाए या जब इसका यूज नहीं हो रहा है तो उस टाइम पर इसके वाल्व को क्लोज कर देना चाहिए। कीप फुल एंड एम्प्टी सिलेंडर सेपरेटली। भरे हुए सिलेंडर और खाली सिलेंडर दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। ऑलवेज ओपन द सिलेंडर वाल्व स्लोली। जो सिलेंडर वाल्व होते हैं उनको धीरे से खोलना चाहिए। नॉट मोर देन वन एंड ए हाफ टर्न। जा एक टर्न से ज्यादा और हाफ टर्न से कम नहीं होना चाहिए। यूज द करेक्ट सिलेंडर कीज टू ओपन द सिलेंडर्स। और सिलेंडर्स वगैरह को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए हमको प्रॉपर तरह की कीज का, चाबियों का इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट रिमूव द सिलेंडर कीज फ्रॉम द सिलेंडर वाइल वेल्डिंग। जब हम वेल्डिंग कर रहे हो उस टाइम पर सिलेंडर से जो सिलेंडर की जो की होती है उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। इट विल हेल्प टू क्लोज द सिलेंडर क्विकली इन द केस ऑफ ए बैक फायर और फ्लैश बैक। ये बैक फायर और फ्लैश बैक के टाइम पर जो है उसको बड़ी तेजी से बंद करता है। ऑलवेज यूज द सिलेंडर्स इन एन अपराइट पोजिशन। हमेशा सिलेंडर को सीधा खड़ा करके रखना चाहिए फॉर इजी हैंडलिंग एंड सेफ्टी, ताकि आसानी से इधर उधर हैंडल किया जा सके और सेफ्टी बरती जा सके। ऑलवेज चेक द सिलेंडर वाल्व्स टू क्लीन द वाल्व सॉकेट्स बिफोर अटैचिंग रेगुलेटर। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले इसके वाल्व सॉकेट्स को हमको अच्छे तरीके से चेक कर लेना चाहिए। ये फिगर दिखा रखा दोस्तों। कीप सिलेंडर अपराइट पोजिशन में बिलो आउट द सिलेंडर वाल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर क्रैकिंग ओपन द सिलेंडर वाल्व। ऑन ऑफ दिखा रखा है। सेफ्टी फॉर रबर होज पाइप्स। इंस्पेक्ट द रबर होज पाइप्स पीरियोडिकली एंड रिप्लेस द डैमेज वंस। जो पाइप्स खराब वगैरह हो चुके हैं रबर के जो होज पाइप्स हैं उनको पीरियोडिकली चेक करना चाहिए, या तो उनको फिर जो डैमेज हो गया उनको रिप्लेस कर देना चाहिए। डू नॉट यूज ओल्ड बिट्स ऑफ होज पाइप्स या ट्यूब्स। जो होज पाइप्स या ट्यूब्स जो हैं उनकी ओल्ड बिट्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डू नॉट रिप्लेस द होज पाइप्स फॉर एसिटिलीन विद द वंस यूज फॉर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का हो या एसिटिलीन का हो आपस में इनको इंटरचेंज नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज ए ब्लैक हॉज पाइप फॉर ऑक्सीजन एंड मैरून हॉज पाइप फॉर एसिटिलीन। ये दो तीन बार से फिर हम बता दिया दोस्तों, इसका ध्यान रखना। एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो आपका ऑक्सीजन का जो हॉज पाइप है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए और जो आपका एसिटिलीन का है वो आपका मैरून कलर का होना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी फॉर रेगुलेटर्स। प्रीवेंट हैमर ब्लोज टू द गैस सिलेंडर एंड इंश्योर दैट वाटर डस्ट एंड ऑयल डू नॉट सेटल ऑन द सिलेंडर। जो आपका सिलेंडर होता है उस पर कभी भी हथौड़े वगैरह नहीं चलाने चाहिए, और जो उसके अंदर ऑयल डस्ट या वगैरह वाटर वगैरह बैठ गया उसको जो है सेटल डाउन नहीं होने देना है। राइट हैंड थ्रेडेड कनेक्शन फॉर ऑक्सीजन एंड लेफ्ट हैंड थ्रेडेड कनेक्शन फॉर एसिटिलीन इस्तेमाल किए जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों उस चीज का। ये कोई इसमें से वेल्डिंग में से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। सेफ्टी फॉर बिलो पाइप्स। अब बिलो पाइप्स के लिए कौन कौन सी सेफ्टियां ध्यान में रखनी चाहिए। व्हेन ए बिलो पाइप इज नॉट इन यूज। जब बिलो पाइप का यूज नहीं हो रहा है पुट अवे फ्रॉम द फ्लेम एंड प्लेस द बिलो पाइप इन ए सेफ प्लेस। इसको जो है एक सेफ प्लेस पर फ्लेम से दूर रख देना चाहिए। व्हेन फ्लेम स्नैप्स आउट एंड बैक फायर्स क्विकली सेट ऑफ द बोथ वाल्व्स इन बिलो पाइप। जब आपको बैक फायर्स के चांसेस लगे या फ्लेम स्नैप्स फ्लेम्स की बात लगे तो उस कंडीशन में जो इसको जो है बंद कर देना चाहिए। ऑक्सीजन फर्स्ट देन एसिटिलीन एंड देयर डिप इन वाटर। सबसे पहले ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते हैं फिर एसिटिलीन और फिर उसको जो पार्टी के अंदर जो उसको डिप कर देते हैं। वेल इग्नाइटिंग द फ्लेम। जब हम फ्लेम को इग्नाइट करते हैं ज्वलित करते हैं पॉइंट द ब्लो पाइप नोजल इन ए सेफ डायरेक्शन। तो जो ब्लो पाइप का जो नोजल होता है उसको सेफ डायरेक्शन में रखना चाहिए। वाइल
एक्सटिंग्यूशिंग द फ्लेम सेट ऑफ द एसिटिलीन वाल्व फर्स्ट एंड देन द ऑक्सीजन वाल्व टू अवॉइड ए बैकफायर। बैकफायर से बचने के लिए सबसे पहले हमको जो है एसिटिलीन को बंद करना है एंड देन द ऑक्सीजन वाल्व को बंद करना है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। अब ऑक्सी एसिटिलीन के लिए वेल्डिंग की सिस्टम क्या है, ये हाई प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन प्लांट के लिए दिखा रखा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन के सिलेंडर है। ऑक्सी एसिटिलीन प्लांट्स कैन बी आइदर हाई प्रेशर और लो प्रेशर। इनके जो प्लांट होते हैं वो हाई प्रेशर भी हो सकते हैं, लो प्रेशर भी हो सकते हैं। ये हाई प्रेशर प्लांट यूटिलाइजेज एसिटिलीन अंडर हाई प्रेशर अप टू 1 kg/cm². 1 kg/cm² के हिसाब से इसके प्रेशर को देखते हुए एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट डिजोल्व एसिटिलीन, यानी कि एसिटिलीन सिलेंडर इज ए कॉमनली यूज सोर्स, सिलेंडर के अंदर सबसे ज्यादा कॉमनली सोर्स है। ए लो प्रेशर प्लांट यूटिलाइज एसिटिलीन अंडर लो प्रेशर, जो आपके लो प्रेशर प्लांट होते हैं उनके अंदर जो है लो प्रेशर 0.017 kg/cm² की स्क्वायर प्रोड्यूस बाय एन एसिटिलीन जनरेटर ओनली, जिसको एसिटिलीन जनरेटर के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये लो प्रेशर ऑक्सी एसिटिलीन प्लांट दे रखा है, ये आपका लेफ्ट हैंड पे ऑक्सीजन है राइट हैंड पे, और लेफ्ट हैंड पे आपका एसिटिलीन जनरेटर दिखा रखा है। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर प्लांट यूटिलाइज ऑक्सीजन गैस इन कंप्रेस्ड हाई प्रेशर सिलेंडर ओनली। अब जो हाई प्रेशर लो प्रेशर जो प्लांट्स होते हैं दोनों के अंदर ही कंप्रेस्ड हाई प्रेशर सिलेंडर्स वगैरह को ऑक्सीजन गैस के साथ इस्तेमाल करते हैं। द हाई और लो प्रेशर सिस्टम यूज इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, और जो हाई और लो प्रेशर सिस्टम यूज किया जाता है उसको ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। रेफर ओनली टू द एसिटिलीन सिलेंडर प्रेशर, जिसका मतलब किससे होता है, एसिटिलीन प्रेशर से होता है। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ब्लो पाइप फॉर लो प्रेशर सिस्टम, स्पेशली डिजाइंड इंजेक्टर टाइप ब्लो पाइप इज रिक्वायर्ड। इसके लिए जो है एक अलग प्रकार का ब्लो पाइप की जरूरत पड़ती है इंजेक्टर टाइप की, कि दिस कैन बी यूज फॉर हाई प्रेशर ऑल्सो। इसका इस्तेमाल हम हाई प्रेशर के इस्तेमाल में कर सकते हैं। अब ये दोस्तों आपकी जो है नोजल इंजेक्टर वगैरह या वेल्डिंग हेड या मिक्सचर या ब्लो पाइप हैंडल वगैरह देख रखें, ऑक्सीजन का कलर अलग, एसिटिलीन कलर और मिक्स्ड एंड फ्यूज गैस के लिए अलग आपको दे रखा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।